इंदौर के पास बेटमा में बच्चों ने बनाई रंग बिरंगी झांकियां। बेटमा नगर कई यूं तो कई आयोजन व उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। नगर में ऐसी कई प्रतिभाएं छिपी है जो समय समय पर अपना कौशल दिखाती रही है, फिर चाहे वे बच्चे हो या बड़े। ऐसा ही कुछ देखने को मिला नगर में ग्यारस के त्योहार पर, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों ने छोटी छोटी झांकियां व डीजे निकालकर पूरे मोहल्ले में जुलूस निकाला। इस अवसर पर जब बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये झांकियां हम सब बच्चे मिलकर निकालते और हमारा उद्देश्य ये है कि बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ। साथ ही बच्चों ने नगर को स्वच्छ बनाने का भी संदेश दिया। बच्चों ने बताया कि वे ये झांकियां करीब 2 साल से निकाल रहे, जिसमें सैकड़ों जनता मौजूद रही। बच्चों के इस प्रयास की नगर के लोगों ने सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। देपालपुर से ब्यूरो चीफ शुभम पटेल की रिपोर्ट। ये आप खुद ही निकालते बच्चे और मिलके? कोई पिछले वर्ष हमने शुरुआत करी थी छोटी छोटी झांकी से, फिर हमें सहयोग मिला, आगे से बोला गया कि इस बार भी निकालो। हमने मिला, मीटिंग करी, सबका पूछा ताज करके वापस से झांकी का आयोजन कर रहे थे। और हर वर्ष दशहरे के दूसरे दिन 11 वाले दिन इस झांकी का आयोजन होगा और ये हमेशा चलता आया था और आएगा। क्या नाम है आपका? तीर्थ।